लघु सिंचाई विभाग रामगढ़ द्वारा जो है सरकार की विभिन्न योजनाओं में घोटाला से संबंधित है, जिसमें माइनर इरीगेशन डिवीज़न रामगढ़ द्वारा जो है गोला प्रखंड के पंचायत कुम्हरदगा और गांव तिरला बोलते हैं, उसमें लगभग 1,04,22,200 रुपया में एक योजना की स्वीकृति हुई थी, जिसमें बिना काम किए हुए योजना से पैसा निकाल लिया गया। थोड़ा बहुत काम को दिखाकर एक बड़े योजना की राशि की लूट हुई, और ये सब सारा लूट जो है पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के कार्यकाल में उनकी अनुशंसा पर इस कार्य को आवंटित किया गया था, और अनुशंसा करने के बाद उन्हीं के लोग अपने चचेरे भाई गोपाल चौधरी जो जिला परिषद सदस्य हैं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस योजना में धांधली किए और योजना में लूट किए। 11/2016 पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी जो जल संसाधन पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री थे, उनके कार्यकाल में अनुशंसा की गई थी प्रधान सचिव, और अभी वर्तमान में जो ईडी में मामला चल रहा है वीरेंद्र राम का, उनसे भी जुड़ा है। इस योजना अनुशंसा में करीब 9 योजना था, जिसमें अभी 6 योजना पर जांच चलेगी, और 6 योजना को लेकर एसीबी हजारीबाग द्वारा भी इस योजना की जांच की गई थी, और इस योजना में घोटाला हुआ है इसकी पुष्टि हुई। उसके बाद डीएसपी रैंक के लोग अधिकारी लोग आए। अभी वर्तमान में इस योजना को लेकर योजना अंचल रांची जो उड़नदस्ता विजिलेंस बोलते हैं उसके द्वारा जांच किया जा रहा है कि उस योजना में डीपीआर के अनुसार काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और कौन कौन योजना की जांच होगी? अभी आपका ये तिरला मध्यम सिंचाई योजना तिरला ये कुम्हरदगा हो गया एक योजना, इसके बाद बहनी जरा डैम आहार मध्यम सिंचाई योजना औराडी है जो परवरगा गोला में है, लपसिया आहार मध्यम सिंचाई योजना जिसमें काम हुआ ही नहीं है, वो काम जो है मंत्री के माँ के नाम से लिया गया और बिना काम किए हुए उस पैसे की निकासी हुई है। जोभिया डैम आहार मध्यम सिंचाई योजना जो संग्रामपुर में है जो अखिलेश भारती के द्वारा करवाया गया है, आधे अधूरे काम पर पूरे पैसा निकाल ली गई। बगजोबरा मध्यम सिंचाई योजना सूत्री केनके आहार मध्यम सिंचाई योजना केनके हुपू और राजा बांध आहार मध्यम सिंचाई योजना चिरणोद्धार का कार्य था जो आपके यहाँ बोले तो झारखंड सरकार के वर्तमान मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह पंचायत में भी घोटाला हुआ, उसको लेकर भी जांच होगी। अब देखते हैं कहां तक जांच और किस प्रकार से होता है, पर इन सब जांचों से हमें विश्वास नहीं लगता है, क्योंकि ये जांच सिर्फ जो है अपनी फॉर्मेलिटी के रूप में निभा रहे हैं। जो जांच होनी चाहिए पानी के गहराई में जाकर वो यहां पर किया नहीं जा रहा है। अपनी व्यवस्था जो है लघु सिंचाई विभाग द्वारा जो करनी चाहिए थी वो पूरा मुकम्मल व्यवस्था करके नहीं पहुंचे हैं। पानी का